Good morning, class. In today's class, I'm going to start chapter number 3, fiber to fabric. Question answers. Clear? First, Bujo pehli is, Bujo is wondering why it hurts when someone pulls his hair, but not when he goes for a haircut. तो इसमें एक बुजो नाम से कोई स्टूडेंट है, उस क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम हेयर्स को पुल करते हैं तब तो हमें दर्द होता है, और जब हम उन्हें कट करते हैं, हेयर कट करवाते हैं, तब हमें दर्द क्यों नहीं होता. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड और आवर हेयर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. ठीक है, हमारे जो हेयर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं. और जो हेयर्स जिस प्रोटीन के बने होते हैं या हेयर्स जो होते हैं वो डेड सेल्स होती है. क्लियर है? ये जो डेड सेल्स हैं इनको जब हेयर कट किया लिया जाता है तो इनमें दर्द नहीं होता, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, डेड. लेकिन जब हम हेयर्स को पुल करते हैं यानी खींचते हैं तो उन हेयर्स के साथ में जो स्कैल्प है हमारी, ठीक है ना, जो स्कैल्प है वो भी क्या होती है, पुल होती है, जिसके कारण से हमें क्या होता है, दर्द होता है. क्लियर है? तो हमें क्लियर हुआ कि हेयर को पुल करने से दर्द क्यों होता है, क्योंकि स्कैल्प है, स्कैल्प में सेल्स कैसी है, लिविंग सेल्स है. क्लियर? इसीलिए हमें क्या होता है, दर्द होता है. और अगर हम हेयर कट करवाते हैं तो हेयर जो है प्रोटीन से मिलके बने होते हैं और वहां पर डेड सेल्स होती है, और डेड सेल्स के होने के कारण हम जब उनको कट करते हैं तो हमें दर्द नहीं होता. आई थिंक क्लियर. सेकेंड क्वेश्चन इज, बुजो इज वंडरिंग व्हाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस वार्म इन विंटर एज अ वूलन स्वेटर. सेकेंड क्वेश्चन है कि हम कॉटन गारमेंट्स को वियर करते हैं वो हमें वार्म क्यों नहीं रखते हैं, जैसे वुलन स्वेटर्स वगैरह है विंटर में हमें वार्म रखते हैं. क्लियर है? तो इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या रीड किया था, हमने वुलन क्लोथ्स में ये रीड किया था कि ये बहुत ही लूज होते हैं, जिससे हमारी बॉडी और इन वुलन क्लोथ्स के बीच में कुछ एयर रह जाती है. ठीक है, एयर पास हो जाती है. अब ये जो एयर है वो एयर कैसी होती है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो ये हमारी बॉडी हीट को आगे ट्रांसफर नहीं होने देती. क्लियर? तो कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं बहुत ही थिन होते हैं, और थिन होने के कारण ये अपने बीच में एयर को ट्रैप नहीं करते हैं. इस वजह से हम इनको वुलन या इसीलिए ये क्या नहीं रखते हैं, हमें वार्म नहीं रखते. क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है पहेली वांट टू नो इफ द कॉटन थ्रेड एंड सिल्क थ्रेड आर स्पन एंड वूवन इन द सेम मैनर. जो कॉटन थ्रेड है और सिल्क थ्रेड है ये सेम मैनर में हम इनको स्पन कर सकते हैं ये और वूवन कर सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, स्पिनिंग जो है दोनों प्रोसेस की क्या होगी, अलग होगी. कॉटन की अलग होती है और सिल्क की थ्रेड की अलग होती है. कॉटन की कैसे, स्पिनिंग प्रोसेस के थ्रू. कॉटन में क्या होगा, कॉटन को हम एज अ कॉटन प्लांट से क्या लेंगे, सेपरेट कर लेंगे. तो कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल्स बोलते हैं. व्हाट वी कॉल, कॉटन बॉल्स. क्लियर? कॉटन बॉल्स जो होते हैं कॉटन प्लांट का फ्रूट होते हैं, इसी कॉटन बॉल के अंदर हमारा कॉटन फाइबर बनता है और जिसके बीच में सीड्स प्रेजेंट होते हैं. क्लियर है? अब ये जो सीड्स हैं कॉम्बिंग प्रोसेस के थ्रू उस फाइबर को क्या किया, सेपरेट किया. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग. क्लियर? अब ये जो कॉटन फाइबर आ गया हमारे पास में, इसको यर्न या थ्रेड में कन्वर्ट कैसे करना है, ये प्रोसेस है अपना स्पिनिंग या स्पन करने का. तो उसमें क्या करेंगे, हम एक हाथ में कॉटन वूल को लेते हैं और दूसरे हाथ के थम और फोर फिंगर जो होगी उनसे उसको पुल करेंगे, ड्रॉन आउट करेंगे और ट्विस्ट करेंगे. क्लियर है? तो धीरे धीरे उस फाइबर को पुल करते रहेंगे और साथ में ट्विस्ट करते रहेंगे, तो हमारा कॉटन फाइबर कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, थ्रेड के अंदर या यर्न के अंदर. तो ये जो प्रोसेस है वो क्या हुआ, हमारा स्पिनिंग या स्पन करना हो गया. क्लियर? तो कॉटन का तो इसलिए हो गया. सिल्क थ्रेड कैसे होता है, सिल्क थ्रेड में हमने क्या किया, उसकी डिफरेंट स्टेजेस रीड की थी. सबसे पहले मॉथहैक ने क्या किया, ले एगिंग करी. आफ्टर ले एगिंग एग हैच हुआ, लार्वा कम्स आउट. लार्वा को हम सिल्क वर्म भी बोलते हैं, कैटरपिलर भी बोलते हैं. तो सिल्क वर्म क्या हुआ, कम्स आउट हुआ. उसके बाद में उसने एक टाइम तक बहुत सारी मलबरी लीव्स को ईट किया और अपने साइज को क्या किया, लार्ज किया. आफ्टर दैट जब वो पूरा फीड है, उसका साइज जितना बढ़ना होता है उतना बढ़ जाता है, तो वो फीडिंग को स्टॉप कर देता है और अपने चारों तरफ एड्स का प्रोटीन को सिक्रीट करता है एड की फॉर्म में. और वो प्रोटीन कौन सा था, फाइब्रोनिन.
क्लियर। तो वो प्रोटीन जो है एयर के कॉन्टेक्ट में आकर हार्ड हो जाता है और थ्रेड फॉर्म में आ जाता है, फिर उसको हम स्टीम में हॉट वाटर में डालते हैं और उस प्यूपा वाली स्टेज पे, प्यूपा तो इनसाइड माउथ हो गया, ऊपर की जो कवरिंग है उसको हमने क्या बोला, कोकून। तो प्यूपा और कोकून की जो कवरिंग वाला है उस सिल्कवर्म को हमने क्या किया, हॉट वाटर या स्टीम में रखा, जिससे इनसाइड प्यूपा तो क्या हो जाता है, किल हो जाता है, डेड हो जाता है, और बाहर का जो कोकून है जो थ्रू सिंपल पूरे थ्रेड में हमें मिल जाता है। तो दोनों का जो स्पिनिंग का जो प्रोसेस है कॉटन का एंड सिल्क फाइबर का डिफरेंट होता है, बट वीविंग प्रोसेस जो है वो दोनों का सेम होता है। वीविंग प्रोसेस में क्या होगा, हम टू यर्न्स ले लेंगे, एक को हॉरिजॉन्टली अरेंज करेंगे, सेकेंड यर्न को वर्टिकली उसके अंदर वीव कर देंगे। क्लियर। तो वीविंग प्रोसेस कॉटन में और सिल्क फाइबर दोनों में क्या होता है, सेम होता है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट। अब हमारे जो पीडीएफ फाइल के जो क्वेश्चन आंसर है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट इज सिल्कवर्म फीड ऑन, सिल्कवर्म क्या फीड करता है, मलबरी लीव्स, नीव लीव्स एंड ब्लैकबेरी लीव्स। ऑब्वियस आंसर इज मलबरी लीव्स। ठीक है। सेकेंड इज द सिल्कवर्म इज, सिल्कवर्म क्या होता है, सिल्कवर्म के अदर नेम, हम सिल्कवर्म को कैटरपिलर भी बोलते हैं, हम सिल्कवर्म का जो एग है चूंकि जो लार्वा निकलता है उसको लार्वा भी बोलते हैं, सिल्कवर्म भी बोलते हैं। तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड वूल। इसमें से हमें किससे वूल नहीं मिलता है, यॉर्क से वी ऑब्टेन वूल, कॉपियस कैमल वी ऑब्टेन वूल, गॉट आल्सो ऑब्टेन वूल। तो क्या होगा, हमें किससे नहीं मिलता है, वूली डॉग से। क्लियर। सेकेंड सॉरी फोर्थ वन इज एनिमल दैट गिव वूल आर, एंड कौन सा एनिमल है जिससे हमें वूल मिलता है, वी शीप गॉट रैबिट, तीनों से मिलते हैं हमें वूल, वी गेट वूल फ्रॉम ऑल थ्री एनिमल्स। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, फिल इन द ब्लैंक्स। द स्टिकी फ्लूइड सिक्रेटेड बाय अ लार्वा, जो हमारा सिल्कवर्म था उसके माउथ से जो स्टिकी फ्लूइड सिक्रीट हो रहा है लार्वा से, उसकी सैलाइवरी ग्लैंड से, उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, इससे इंपॉर्टेंट फिब्रोइन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, फिब्रोइन। इसके साथ में सैरेसिन प्रोटीन भी होता है, लेकिन मेनली ज्यादा जो प्रेजेंट है 75% क्या होता है, फिब्रोइन प्रोटीन ही होता है। क्लियर। The cocoon are put in a pot of hot water. अब cocoon को हम कौन से पानी में डालते हैं ताकि हमें उससे thread मिल जाए, yarn मिल जाए, तो hot water में डालते हैं। Which kill the worms, जिसके कारण worm क्या हो जाते हैं, kill हो जाते हैं, और जो filament है वो क्या होता है, loose हो जाता है। Clear? Third one is the small fluffy fiber called wool. आपने woolen fiber को separate किया था तो उसके अंदर एक process था, third number separating burr. तो burr क्या है, small fluffy fiber है, जैसा हमारी sweaters के ऊपर छोटे छोटे फ्लफीनेस आ जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बर बोलते हैं। क्लियर है। फोर्थ, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप ऑफ याक। वूल हमें शिप की कौन सी चीज से मिलती है, फ्लीस, फ्लीस मीन्स हेयर ऑफ शिप, हेयर के जो शिप होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, वूल मिलता है। क्लियर। द थ्रेड ऑब्टेन इन द रीलिंग प्रोसेस इज कॉल्ड, जो थ्रेड हमें रीलिंग प्रोसेस के थ्रू जो थ्रेड मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिल्क बोलते हैं। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, ये एक्स्ट्रा ट्रू फॉल्स आपकी बुक में नहीं है। वूल इज ऑब्टेन ओनली फ्रॉम शीप, वूल जो है हमें सिर्फ शीप से मिलती है, रॉन्ग, हमें रैबिट से भी मिलती है, गॉट से, कैमल से और एनिमल से भी हमें वूल मिलती है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। सेकेंड वन इज सिल्क फाइबर इज मेड फ्रॉम प्रोटीन, जो सिल्क फाइबर है वो किसका बना है, प्रोटीन का, यस, फिब्रोइन प्रोटीन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। थर्ड वन इज रीलिंग ऑफ गॉट कैमल्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड अ सेरिकल्चर, जो गॉट की रियरिंग करना है वो क्या होगा, सेरिकल्चर होगा। आंसर इज रॉन्ग, क्या होता है सेरिकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज कॉल्ड अ सेरिकल्चर। क्लियर। द इंसेक्ट इन द कोकून इज किल्ड बिफोर रीलिंग द सिल्क, जो इंसेक्ट है कोकून के अंदर उसको पहले किल्ड करते हैं और उसके बाद में रीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, ट्रू। सिल्क एंड वूल बोथ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, जो सिल्क है और वूल है वो दोनों हमें एनिमल से मिलते हैं, ट्रू। सिल्क मिलता है हमें, वी गेट फ्रॉम सिल्कवर्म, वूल वी गेट फ्रॉम शीप। नेक्स्ट सिक्स्थ, सिल्क इज अ प्लांट फाइबर, सिल्क कैसा फाइबर है, प्लांट फाइबर, सिल्क वी गेट फ्रॉम सिल्कवर्म, सिल्कवर्म इज अ एनिमल नॉट अ प्लांट, सो आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट मैचअप्स, स्कोरिंग
वॉट इज स्कोरिंग, क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, जो भी हमारे पास वूल आए हैं उसमें जो क्लीनिंग हो रही है स्किन की वो क्या हो गया, क्लीनिंग शेयर्ड स्किन. स्कोरिंग मीन्स जो भी हमने वूल या फ्लीस लिया है उसको क्लीन करना जो प्रोसेस है वो क्या होता है, स्कोरिंग होता है. नेक्स्ट मलबरी लीव्स, मलबरी लीव्स को कौन ईट करता है, सिल्कवॉर्म, फूड ऑफ सिल्कवॉर्म. जो मलबरी लीव्स है वो किसका फूड होते हैं, सिल्कवॉर्म का फूड होते हैं. नेक्स्ट थर्ड याक, याक वूड बिल्डिंग एनिमल है, याक से हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है. नेक्स्ट कोकून, कोकून क्या होगा, एल्ड सिल्क फाइबर. कोकून में क्या होता है, सिल्क फाइबर होता है. ऊपर की जो आउटर कवरिंग जो प्रोटीन की बनी हुई है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोकून. फाइबर जो है, सिल्क फाइबर जो है वो किससे मिल रहा है हमें, कोकून से. नेक्स्ट फ्लीस, फ्लीस मीन्स हेयर ऑफ शीप या कैमल. क्लियर मैचअप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वन वर्ड टाइप आंसर. विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शीप हैव वूल. ब्लैक शीप है तो उसके जो वूल है वो क्या चीज होगी, वो उसके क्या होंगे, फ्लीस होंगे. Clear है, fleece means here. What is the mint of white fleece of lamb? अगर white fleece है किसी lamb के तो उसका means क्या हो गया, उसके hair का color कैसा है, white है. What is the larva of silk moth known? जो larva है silk moth का उसको हम क्या बोल रहे हैं, we call caterpillar and silkworm. ठीक है, ये दोनों उस larva के ही नाम है, caterpillar and silkworm. Which is the most common variety of silk? सबसे common variety जो है वो use होती है कौन सी, mulberry silk. हमने कल read किया था tasa silk और अलग अलग type के जो भी silk थे वो हमने read किए थे, कौन, munga silk, kosa silk, tasa silk. सबसे most common variety जो हम use करते हैं वो कौन सी silk होती है, mulberry silk. Clear? What is the maximum length of continuous silk thread that can be obtained from a cocoon? एक cocoon से सबसे maximum length का कितना silk हमें मिलता है, कितना, 900 meter. सबसे smallest 300 meter होता है और largest 900 meter के आसपास उसकी जो silk thread है वो हमें मिलता है. Next question answers में first is what is meant by following terms. ये different different term दी हुई है, इन terms का क्या मीनिंग निकल रहा है. फर्स्ट है रियरिंग. रियरिंग मीन्स क्या होगा, फीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ द एनिमल टू गेट इट्स प्रोडक्ट लाइक वूल फ्रॉम शीप एंड सिल्क फ्रॉम सिल्कवॉर्म. रियरिंग मीन्स क्या हो गया, हम उसको प्रॉपर फीड दें, उसकी टेक केयर करें, जो भी एनिमल हम हमारे पास है और उसको किस लिए हम रियरिंग कर रहे हैं, उसकी उसकी रियरिंग करें, कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल रहा है. जैसे शीप से हमें क्या मिल रहा है, वी गेट फ्रॉम शीप फ्रॉम व्हाट थिंग, वूल. एंड सिल्क से हमें क्या मिल रहा है, सिल्क, सॉरी सिल्क वर्म से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है सिल्क. क्लियर. नेक्स्ट प्रोसेस इज शियरिंग. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस. अब फ्लीस मीन्स हो गया हेयर ऑफ शीप, जो ऊपर शेविंग करनी हो गई शीप के हेयर्स की या रिमूविंग करना हो गया शीप के हेयर्स का, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, शियरिंग. अब ये किसकी हेल्प से होगा, अलोंग विद द थिन लेयर. हमने कहा था ना कि शियरिंग करते टाइम हम सिर्फ हेयर्स को कट नहीं करेंगे, उसके ऊपर जो थिन लेयर है, जो डेड लेयर है, उसको हम क्या करेंगे, रेजर की हेल्प से, क्लीपर की हेल्प से या शियरिंग मशीन की हेल्प से उनके हेयर्स को उनकी बॉडी से सेपरेट करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट सेरिकल्चर. द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म ऑन अ कमर्शियल स्केल. कमर्शियल स्केल के लिए हम क्या करें, सिल्क वर्म को रियर करें तो क्या कहलाएगा आपका, व्हाट वी कॉल सेरिकल्चर. अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं आपके. राइट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क. क्या डिफरेंस होता है नेचुरल सिल्क में. ये सेम डिफरेंस उसी तरीके से होगा जिसमें हमने पढ़ा था कि नेचुरल सिल्क, नेचुरल फाइबर्स किसको बोलते हैं, वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल, है ना, और आर्टिफिशियल फाइबर किसे बोल रहा है, वी मेड फ्रॉम केमिकल्स. क्लियर है. तो नेचुरल सिल्क जो होगा, ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वर्म एंड इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन. जो सिल्क वर्म का कोकून है उससे बना होगा और ये बना हुआ किससे होता है, प्रोटीन से. नेचुरल सिल्क इज अ एनिमल फाइबर. जो नेचुरल सिल्क है वो किससे बना हुआ होता है, एनिमल फाइबर से. क्लियर. आर्टिफिशियल फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प. जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है ना वो किससे, वुड पल्प से मिलके बना होता है. एंड इट इज मेड अप ऑफ मॉडिफाइड प्लांट मटेरियल सेलुलोज. और सेलुलोज के अंदर कुछ चेंजेस करके हम क्या बना देते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क बनाते हैं. एक आपका क्वेश्चन एक्टिविटी में था कि हम जब नेचुरल सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क को बर्न करते हैं तब क्या होता है ना. तो नेचुरल सिल्क को हम बर्न करेंगे तो हमें कैसा, उससे जो स्मेल आएगी वो कैसे आएगी, जैसे हेयर बर्न होता है ना उसके जैसी बिल्कुल, क्योंकि हमारे हेयर्स पे किसके बने होते हैं, प्रोटीन के. तो बिल्कुल उसी की जैसी स्मेल हमें नेचुरल सिल्क से आएगी. क्लियर है. आर्टिफिशियल सिल्क हम देख रहे हैं यहाँ पर वुड पल्प और सेलुलोज से मिलकर बना हुआ है. क्लियर.
क्लियर है। जो हमारे पेपर होता है, पेपर भी किससे बनता है, वुड पल्प से बनता है, उसमें भी सेलुलोज होती है। तो जब हम आर्टिफिशियल सिल्क को बर्न करते हैं तो हमें उससे जो स्मेल आती है उसमें कैसी आती है, जैसे पेपर बर्न होता है उस टाइम पे जो स्मेल आती है सेम उसी के जैसे। तो हमें नेचुरल सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क का पता नहीं है और हमें पता करना है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, बर्न करेंगे। अगर हेयर के बर्न जैसी स्मेल आ रही है तो वो नेचुरल सिल्क है, और पेपर बर्न होता है वैसी स्मेल आती है तो वो कौन सा सिल्क होता है, आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क वुड पल्प से मिलके बनता है और कुछ प्लांट का कुछ सेलुलोज मटेरियल भी साथ में होता है और उससे आर्टिफिशियल सिल्क बनता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट वेरियस स्टेप्स इन द करेक्ट सिक्वेंस इन विच दे आर कैरीड आउट। कौन कौन से स्टेप्स हैं, फर्स्ट वूल को कैरीड आउट करने के लिए ना, यहाँ पे वूल आएगा, क्लियर। शेयरिंग फर्स्ट प्रोसेस है, शेयरिंग, शेयरिंग में क्या होगा, शेविंग ऑफ फ्लीस, क्लियर। स्कोरिंग मीन्स वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ फ्लीस या शीप हेयर। नेक्स्ट शॉर्टिंग, शॉर्टिंग मीन्स हम उसके टेक्सचर के अकॉर्डिंग या उसकी जो क्वालिटी है, उसकी लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें, और आफ्टर दैट हम उसको कहाँ भेज दें, फैक्ट्रीज में भेज दें, क्लियर। नेक्स्ट पिकिंग आउट द बोर, फिफ्थ स्टेप हमारे, फोर्थ स्टेप हो जाता है पिकिंग आउट द बोर। अब उस वूल पे जैसे जिस टाइप फ्लफी फाइबर्स जो होते हैं, बर होते हैं, उनको क्या करना, पिक्ड आउट करना। फिफ्थ स्टेप इज डाइंग, हमें वूल को डिफरेंट डिफरेंट कलर में डाई करना है, तो वो क्या होगा, डाइंग। और सिक्स स्टेप हमारे पास में इसमें रेलिंग भी हो जाएगा। रेलिंग में क्या होगा, हम उसको क्या करेंगे, उस पूरे सिल्क फाइबर को कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट व्हाट इज शेयरिंग कैरीड ड्यूरिंग सीजन, हमें अलग अलग सीजन्स में शेयरिंग जो समर वाले टाइम पे ही हम क्यों करते हैं ना, तो शीप शेयरिंग इज डन इन समर सीजन बिकॉज दे कैन सर्वाइव विदाउट देयर। अगर हम शेयरिंग जो है विंटर में करेंगे तो शीप ठंड में अपनी प्रोटेक्शन कैसे करेगी, है ना, तो समर में उनको हेयर्स की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, क्लियर है। तो शीप शेयरिंग डन इन समर, इसीलिए हम समर सीजन में करते हैं ताकि वो क्या करें, सर्वाइव हो सके। उस थिक प्रोटेक्टिव कोट जो या हेयर जो होता है उनका हॉट वेदर में अगर हम शेयरिंग कर देते हैं तो दे फील कूल एंड कंफर्टेबल, उनको अच्छा ही कूल फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है, एंड द हेयर ग्रो बैक इन विंटर। और जब तक विंटर आती है वो हेयर्स उनके क्या हो जाते हैं, वापस ग्रो हो जाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डिस्क्राइब विद अ लेबल डायग्राम द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ सिल्क मॉथ। व्हाट इज लाइफ हिस्ट्री, द सीरीज ऑफ चेंजेस undergone by an organism during its lifetime। उनकी पूरी लाइफ के अंदर जो भी स्टेप बाय स्टेप चेंजेस होते रहते हैं उनके बारे में स्टडी करना है, वो जो पूरी हिस्ट्री होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ हिस्ट्री। की जिसकी बारे में रीड कर रहे हैं, सिल्क मौत के बारे में कर रहे हैं, तो सिल्क मौत की होगी, क्लियर। द फीमेल सिल्क मौत ले एग, सबसे पहले फीमेल सिल्क मौत ने क्या किया, ले एगिंग की। After that, वो एग क्या हुए, हैच हुए, लार्वा कम्स आउट, विच आर कॉल्ड, लार्वा को हम और क्या बोलते हैं, वी कॉल अ कैटरपिलर, आल्सो वी कॉल अ सिल्क, हमको कैटरपिलर भी बोल सकते हैं, हम उसको सिल्क वर्म भी बोल सकते हैं। After that, they grow in size, वो अपने साइज को ग्रो कराता है, लार्ज करता है। When the caterpillar is ready to enter the, जब caterpillar ready हो जाता है next stage में enter होने के लिए, तो वो feeding क्या कर देता है, बिल्कुल बंद कर देता है, क्लियर। और उसकी नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है, प्यूपा। प्यूपा कौन सी स्टेज को बोलेंगे, प्यूपा हम उस स्टेज को बोलेंगे जब उसने फीड बंद कर दिया है। अब उसने चारों तरफ, सबसे पहले तो अपने आप खुद को होल्ड करने के लिए एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाया, फिर अपने हेड को एट की शेप में, बार बार एट की शेप में मूव करते करते अपने बाहर की तरफ एक नेट लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉन कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोकून। डायग्राम में देखते हैं, दिस इज अ एडल्ट सिल्क मॉथ। एडल्ट सिल्क मॉथ ने क्या किया, ले एगिंग की, कौन से प्लांट पे, मलबरी ट्री पे, क्लियर। नेक्स्ट आफ्टर हैचिंग कैटरपिलर हो गया, इस तरीके से कैटरपिलर या सिल्क वर्म होता है। सिल्क वर्म जब अपने साइज को पूरा बड़ा कर लेता है फीडिंग स्टॉप करके, वो इस तरीके से बाहर से देखने पर उसकी स्ट्रक्चर ऐसे दिखती है, बाहर से कोकून दिखेगा हमें, इनसाइड का प्यूपा नहीं दिखता है। अगर इसका हम सेक्शन कट करते हैं टीएस, तब हमें इसमें दिखाई देता है कि बाहर जो ब्लैक कलर से बनाया हुआ है ये क्या है, कोकून, और अंदर जो प्यूपा है वो डेवलप हो रहा होता है, किसके अंदर, सिल्क वर्म के अंदर, क्लियर है। अंदर ये जब ये बाई चांस अगर हम सिल्क से सिल्क थ्रेड नहीं ले रहे हैं, तो जब ये अंदर पूरा मैच्योर हो जाता है तो ये थ्रेड को यहाँ से ब्रेक करेगा
और वो एडल्ट सिल्क मॉथ के जैसे बटरफ्लाई के जैसी उसकी स्ट्रक्चर हो जाती है, क्लियर है। लेकिन हमें अगर सिल्क थ्रेड लेना है, अगर ये प्यूपा बाहर आ जाता है पहले से ही, तो यहाँ से सिल्क थ्रेड को क्या कर देगा, कट कर देगा, तो हमें एक सिल्क थ्रेड का कंटिन्यूस फॉर्म नहीं मिल पाता है। इसीलिए हम बिफोर दिस स्टेज, अगर ये प्यूपा डेवलप होने से पहले ही इनको हॉट वाटर में या स्टीम में डाल देते हैं, ताकि प्यूपा अंदर डेड हो जाए, ताकि हमें एक लॉन्ग स्ट्रेंड मिल जाए किसकी, सिल्क। दिस इज अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर्स इनटू अ वूल इन डिटेल। हम वूल कैसे शीप से लेंगे, क्या क्या प्रोसेस होंगे, उन सबको वन बाय वन डिटेल में रीड कर। द फॉलोइंग स्टेप्स आर कैरिड आउट टू प्रोसेस फाइबर इनटू वूल। अलग अलग प्रोसेस हैं जो फाइबर से वूल बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज शियरिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस ऑफ शीप। ये जो प्रोसेस है शीप के फ्लीस को रिमूव करने का या शेव करने का, अलॉन्ग विद अ थिन लेयर ऑफ स्किन, इसके साथ में उसकी जो थिन लेयर है बॉडी की ऊपर की, उसको हम उससे सेपरेट करते हैं बाय अ रेजर, क्लीपर और अ शेयरिंग मशीन। रेजर की हेल्प से, क्लीपर की हेल्प से और शेयरिंग मशीन की हेल्प से। आई थिंक क्लियर शेयरिंग। सेकेंड इज स्कोरिंग, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग एंड शेयर्ड वूल। अब जो भी हमारे पास में शेयर्ड वूल मिल गई है, उसको क्या करना है, वॉश विद डिटर्जेंट। डिटर्जेंट से उसको अच्छे से वॉश करेंगे टू रिमूव, रिमूव करने के लिए किस चीज को, डर्ट, ग्रीस, स्वेट या और भी कोई डस्ट पार्टिकल होगा उसको रिमूव करने के लिए। सेकेंड प्रोसेस इज स्पोरिंग, क्लियर। थर्ड इज शॉर्टिंग, द प्रोसेस ऑफ ग्रेडिंग वूल अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर। अब टेक्सचर के अकॉर्डिंग, उनके साइज के अकॉर्डिंग उनको क्या करना, अलग अलग सेपरेट करना और फिर उसको कहाँ भेज देना, फैक्ट्रीज में सेंड कर देना। ये प्रोसेस क्या होगा, शॉर्टिंग, क्लियर। नेक्स्ट है सेपरेटिंग वूल। अब जब हमने शॉर्ट कर लिया है, अब उस वूल के अंदर जैसे हमारे स्वेटर पे वूल बन जाते हैं वैसे ही उसमें भी बर बन जाते हैं, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो स्मॉल फ्लफी फाइबर है उसको हमें पिक आउट करके सेपरेट करना पड़ेगा। ये जो इन दिस प्रोसेस बर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वूल, वूल से बर को इस प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। फिफ्थ इज डाइंग, कलरिंग द फाइबर इन डिफरेंट कलर। जो हमारे पास में जो भी वूल आई है, वूल का बेसिक कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, व्हाइट होता है, ग्रेइश होगा ना, क्रीमी होगा शायद। तो उसके अलावा हमें जो भी वूल का कलर देना होगा वो कौन से प्रोसेस में आएगा, डाइंग में। हमें जिस भी कलर की वूल प्रिपेयर करनी है, हमें उस कलर की डाई उसके ऊपर करनी होती है। नेक्स्ट है लास्ट रोलिंग। रोलिंग में हम क्या होगा, जो भी हमारे पास फाइबर आ गया, हमने कलर कर लिया, उसको स्ट्रेटन कर लिया, कॉम भी कर लिया, उसके बाद में हम उस पूरे यर्न को, उस पूरे थ्रेड को रोल करके उसके अलग अलग पार्ट्स बना देते हैं। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 के ऑल क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस कर लिए हैं, क्लियर हुए होंगे आप सबको।